हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल शबीन ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हमारे न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हैं और ये है इवनिंग टाइम और मैं सोकर उठी और मेरे सिस्टर ने गर्मा गर्म चाय बनाकर रेडी रखा है। सो हम चाय पीकर रेडी होकर निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन गार्डन जो मुलुंड में है और ये है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। अब इसका नेम कैनब्रू हो चुका है, पहले इसका नेम जॉनसन एंड जॉनसन ही था। अब क्यों, क्या ये ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट गार्डन का जो नेम है वो एज़ इट इज़ जॉनसन एंड जॉनसन ही है। और ये कंपनी एंड गार्डन बहुत ही पुराना है और मुलुंड जो है वो मेरा बर्थ प्लेस है और जॉनसन एंड जॉनसन गार्डन से मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो आप लोग एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सो हम जो है वो पहुँच चुके हैं और अब हम एंटर करेंगे। हम बैक साइड वाले गेट से एंटर हो रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस नहीं है। हमारी ऑटो यहीं स्टॉप हो गई थी सो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। मैं मेन एंट्रेंस में आप लोगों को दिखाऊंगी और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से मेरी बहुत सी मेमोरीज़ हैं सो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं जब छोटी थी, आई थिंक आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड और मैं ट्यूशन जाती थी, वो ट्यूशन जो था मेरे नेबर ही थी ट्यूशन टीचर मेरी, जिनका नेम शोभा था, शोभा टीचर, उनके हस्बैंड का नेम था आनंद, आनंद अंकल। सो शोभा टीचर एंड आनंद अंकल जो थे वो मुझे बेटी जैसा ही ट्रीट करते थे, उनके तभी अपने बच्चे नहीं थे सो मुझे अपनी बेटियों जैसे ही ट्रीट करते थे। और जब ऑफ डे होता था यानी संडे को सो वो लोग घूमने जाते थे, मुझे लेकर ज़रूर जाते थे और हम लोग इसी गार्डन में आते थे, वो लोग मुझे इस गार्डन में ज़रूर लाते थे क्योंकि हमारे घर से नियर में था। सो शाम के टाइम पे हम लोग आते थे यहाँ पर और जो टीचर और अंकल बैठ जाते थे और मैं प्लेइंग एरिया में खेलती रहती थी और मुझे कुछ भी खाना पीना होता था तो वही लोग खिलाते पिलाते थे। तो जब भी मैं इस गार्डन में आती हूँ ना तो मुझे शोभा टीचर और आनंद अंकल की बहुत याद आती है। अब तो काफ़ी साल हो गया कि मैं उनसे मिली नहीं हूँ और आज मैं खुद बहुत सालों बाद इस गार्डन में आई हूँ। हालाँकि मेरे घर से नियर में है गार्डन लेकिन आना होता नहीं है। जब यहाँ आना हुआ तो मुझे शोभा टीचर और आनंद अंकल की याद आ गई क्योंकि उनके साथ मेरी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। हम लोग हर संडे आते थे और बहुत इन्जॉय करती थी मैं, प्लेइंग एरिया में बहुत खेलती थी और वो लोग मुझे बहुत पैम्पर भी करते थे। वैसे तो मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी स्टडिंग टाइम में बट अदरवाइज़ तो मुझे बहुत पैम्पर करती थी, बहुत क्लोज थी मुझसे। सो बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं मेरे यहाँ पर। और मेरी अम्मी को जब डायबिटीज़ हुआ था तो उन्होंने वॉकिंग करना स्टार्ट करे थे सो वो मॉर्निंग में भी आते थे और इवनिंग में भी। मैं मॉर्निंग में तो कभी नहीं आई, हाँ इवनिंग में रेयरली मैं आ जाती थी, वो भी मैं सिर्फ खाने के लिए आती थी क्योंकि उस टाइम पे ना इसके बाहर जो गार्डन के बाहर बहुत स्टॉल्स लगते थे, डोसा के भी स्टॉल होते थे एंड सैंडविच के होते थे, सेव पूरी पानी पूरी के भी। अभी तो आज तो सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी का ही स्टॉल है बाहर, तो उस टाइम पर बहुत स्टॉल्स भी होते थे सो मैं तो बहुत खाती थी और मैं बचपन में बहुत फूडी भी थी। सो फ्रेंड्स, ये है प्लेइंग एरिया और यहाँ पे मैंने भी बचपन में बहुत इन्जॉय किया है और आज मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ तो सब मेमोरीज़ जो है वो रिवाइंड हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी इमोशनल भी हो रही हूँ। सो यहाँ किड्स जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं और मैं अब आप लोगों को पूरा गार्डन का व्यू दिखाती हूँ। Thank you.
वीडियो के स्टार्ट में जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस गार्डन का मेन गेट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। जहां से हम एंटर हुए थे वो मेन एंट्रेंस नहीं था, ये है जॉनसन एंड जॉनसन गार्डन का मेन एंट्रेंस। और इसके बाहर जो है बच्चों के टॉयज वगैरह सेल हो रहे हैं, चिप्स है, झूले भी हैं। हम लोग जब बचपन में यहाँ आते थे तो काफ़ी स्ट्रीट फूड्स यहाँ पर मिलते थे, डोसा, सैंडविच, सेवपूरी, पानीपूरी एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज तो कोई भी स्टॉल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। जहाँ से हम एंटर हुए हैं वहाँ पर एक अंकल ने पानीपूरी का स्टॉल लगाया है। सो हम लोग जब घर के लिए निकलेंगे तो पानीपूरी खाएँगे, क्योंकि हम लोग बैक साइड वाले गेट से ही जाने वाले हैं। सो यहाँ है जंपिंग जैक और आसमानी झूला भी है। और मुझे आसमानी झूले में झूलना बहुत पसंद है। मेलों का तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, यहाँ का छोटा है, लेकिन खैर यहाँ पे भी मज़ा ही आएगा। सो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अंदर, थोड़ी देर अंदर और गार्डन में हम लोग रहेंगे, उसके बाद बाहर आके हम लोग झूलने वाले हैं आसमानी झूले पर। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ झूला झूलने के लिए। और जब मैं यहाँ एंटर हुई तो यहाँ दोनों बेबीज़ लोग जो थीं वो मिट्टियों में खेल रही थी। सो मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, मैं भी सेम इसी तरह मिट्टियों में खेलती थी और घर बनाती थी। ये लोग इस मिट्टी में फ्लावर्स को छुपा रहे। सो दोनों जन बहुत क्यूट लग रही थी। हालाँकि ये दोनों मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने इनकी भी वीडियो ले ली। सो माशाल्लाह ये दोनों इन्जॉय कर रहे हैं और मैं भी सेम ऐसी इन्जॉय करती थी। सो अब हम जाएंगे बाहर और आसमानी झूले पर झूलेंगे। बहुत मज़ा आया आज तो, काफ़ी सालों बाद जैसे कि मैं इस गार्डन में आई थी। हमारे सोसाइटी में भी गार्डन था, लेकिन यहाँ के गार्डन से जो है वो काफ़ी मेमोरीज हैं मेरे चाइल्डहुड्स के, तो ये तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और अब हम आ गए हैं बाहर झूला झूलने के लिए आसमानी झूला पर। सो हम जा रहे हैं झूले को इन्जॉय करने और आप लोग हमारे वीडियो को इन्जॉय करें।
फाइनली हम लोग झूला झूल चुके हैं और हमने बहुत इन्जॉय किया झूले में, बहुत मज़ा आया। सो ये था आज का हमारा ब्लॉग, आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ऑल्सो हिट अ बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।